अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मेकिंग तंदूरी चिकन टुडे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं और उन पे मैं डीप कट्स लगा रही हूँ ताकि मसाला अंदर तक जाए। एक मुर्गी के ऑलमोस्ट 8 पीसेस करा लेने हैं आपने, तो इतने बड़े बड़े पीसेस हो जाएंगे, सब पे आपने कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 कप दही लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है आपने, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला शान का ऐड कर लें या नेशनल का, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड करना है आपने और 1 टेबलस्पून तिक्का बोटी मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं और 2 टेबलस्पून आपने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देनी है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है आपने, सॉल्ट कम रखिएगा क्योंकि टिक्का और तंदूरी मसालों में भी होता है, और 1/4 टेबलस्पून वाइट पेपर क्योंकि बहुत स्पाइसी होती है, और 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देनी है आपने। इन सबको अच्छी तरह फोक से आपने मिक्स कर लेना है। और फिर इस मैरिनेट को हम चिकन पीसेस के ऊपर पोर कर देंगे। आप चिकन को इस तरह से मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपने चिकन बनाना हो तो थोड़ी देर पहले डीप फ्रीज़ कर लें। अगर आपने सेम डे भी बनाना है तो चिकन को एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रखें। उसके बाद एक पैन लेंगे, उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है आपने। जब ऑयल थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो इसके अंदर चिकन पीसेस ऐड करने जितने आपने बनाने हैं, और फिर इसे हमने कवर कर देना है और लो फ्लेम पे इसे कुक होने देना है। इसको ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स लगते हैं। 5 to 10 मिनट्स के बाद आपने साइड फ्लिप कर देनी है और दोबारा कवर करके हमने इसे पकाना है। जब चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए, मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ, तो आपने इसको अनकवर कर देना है और जो एक्सेस पानी है इसे हमने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके ड्राई कर लेना है। चिकन रेडी है, इसे आप रायता और नान के साथ इंजॉय करें। इसके अलावा अगर आप इसे बेसन वाले फ्राइज़ के साथ पेयर करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ऊपर आ रही होगी अगर आप देखना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।